कृषि उपज मंडी में किसानों के साथ हो रहे शोषण की जानकारी मीडिया चैनल में प्रसारित होते ही कलेक्टर संजय कुमार और मंडी प्रशासक अनुराग निंगवाल इंदरगढ़ कृषि उपज मंडी पहुंचे। कलेक्टर ने व्यापारियों द्वारा किसानों की उपज के भुगतान पर कटौती किए जाने पर नाराजगी दिखाई और मंडी प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी व्यापारी किसानों के शोषण करेंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि ऐसे व्यापारियों के लाइसेंस निरस्त कर विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। मंडी प्रशासक एसडीएम सेवड़ा अनुराग निंगवाल ने मंडी कर्मचारियों को नियमित रूप से मंडी में निगरानी करने के निर्देश दिए। अनुराग निंगवाल ने कहा कि मंडी में किसानों से लूट खसोट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर संजय कुमार और मंडी प्रशासक अनुराग निंगवाल की सख्ती दिखाने पर मंडी व्यापारियों ने किसानों की उपज नहीं खरीदी, जिसके चलते अनेक किसान डबरा मंडी में अपनी फसल बेचने को रवाना हो गए। कृषि उपज मंडी पहुंचकर मौका मुआयना करते कलेक्टर संजय कुमार और मंडी प्रशासक अनुराग निंगवाल। क्या नाम है आपका? क्या बात क्या है? बात ये है कि मंडी पहले खरीद ले रहे, मंडी सहमति के कारण इसलिए डाक नहीं लगा रहे। जिन लोगों ने 50 ट्रॉली खरीद लिए पहले, बड़े बड़े व्यापारी, अब वे मंडी नहीं लगा रहे तो इसके नीचे भाव उतार रहे। अच्छा, हाँ, इसमें ये मंडी कमेटी से जो बोला जाए तो ये बिल्कुल गेट में खड़ा ना हो। 1800 से स्टार्ट। हाँ, निश्चित तौर से शासन की प्राथमिकता किसानों का हित है। किसानों का जो लाभ है वो खेती में बढ़े, ताकि किसानों का रुझान खेती में बना रहे। और व्यापारी किसान 3-4 महीने अपनी खेतों में उपज को पालने पोसने के बाद अपना माल लेकर के यहाँ आता है, तो मंडी में व्यापार के दौरान, खरीदी बेची के दौरान उसका कोई शोषण ना हो, उसको देखने में आया था कि इंदरगढ़ मंडी से कुछ शिकायतें मुझे मिल रही थी। तो यहाँ पे 2-3 प्रकार की व्यवस्था मैंने देखी किसानों से बातचीत करने के बाद, कि किसान का जो भी रेट पे बोली गया उस बोली के बाद 2% उसका जो भी कीमत बनी उसके जींस का, उस टोटल कीमत में से 2% का कटौतरा अनधिकृत तौर पे कर रहे थे। और ये क्रिमिनल है, ये आपराधिक है। अभी हमने एसडीएम साहब को लगाया है कि अब तक जितनी हुई है, जितनी खरीद व्यापारी बार हुआ है, उन सारे किसानों को 2% के दर से उसका पैसा लौटा दें। फिलहाल हम मौका दे रहे हैं व्यापारी, फिलहाल हम व्यापारियों को मौका दे रहे हैं, क्योंकि हम ये भी नहीं चाहते कि यहाँ का रेगुलर जो ऐसा कोई कसल हो जाए जिससे कि खरीदी बेची बंद हो जाए। तो फिलहाल हम मौका दे रहे हैं और आगे से कोई नहीं काटे। दूसरा, एक शिकायत ऐसी भी मिली कि बारदाने के नाम पे, बारदाने भराई के नाम पे पर क्विंटल 1.5 किलो की कटौतरा कर रहे हैं। ये भी क्रिमिनल है, ये भी आपराधिक मामला है। तो उसके लिए भी हमने एसडीएम को लगाया, एक सर्कुलर के माध्यम से उसको रेगुलेट कर देंगे। और आज के बाद, अभी के बाद, इस प्रकार का जो दोनों 2% काटने वाला और 1.5 किलो पर क्विंटल का कटौतरा, ये नहीं होना चाहिए। और आगे से अगर जिस किसान, जिस भी व्यापारी के द्वारा करता हुआ पाया जाएगा, उस व्यापारी का उसी दिन हम लाइसेंस निरस्त करेंगे, उसी दिन निरस्त करेंगे। एक तौल को लेकर के भी थोड़ी सी शिकायतें हैं। अभी धर्म कांटे पे हमने ये जो इसका अधिकृत धर्म कांटा है मंडी का, वहाँ पे चेक किया। किसानों को थोड़ा सा डाउट था कि यहाँ पे शायद, तो हमने बाट से उसकी वो करके देखी तो वो ठीक निकला। परंतु ये कुछ शिकायत आई है कि कुछ व्यापारी अनधिकृत धर्म कांटे पे भी बाहर तौल करा रहे हैं, उसको रोकना है। ये 3 मुख्य बातें थी, लेकिन ये तीनों गंभीर है और हमारे चिंता का विषय है। हम सेम चीज़ अभी जाकर के दतिया मंडी में भी करने वाले हैं, और कम से कम और जगहों पे जो भी चल रहा होगा दतिया जिले में कोई